मैं यतीन्द्र मिश्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में आज आपको एक दिलचस्प वाक्या सुनाता हूँ। हुआ ये था कि खान साहब को भारत रत्न मिल चुका था और वे वैसे ही जैसे वो रहते आए थे एक फटी लुंगी तहमत लपेटे हुए अपने रियाज के कमरे में बैठे थे और वहाँ कुछ लोग पहुँचे जो उनको इंटरव्यू करना चाहते थे। उनकी शिष्या ने धीरे से टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, आप फटी तहमत पहने हैं, इसको पहन करके तो इंटरव्यू रिकॉर्ड मत करिए, क्या मैसेज जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि आपको भारत रत्न मिल चुका है और उसके बाद आप इस तरह से रहते हैं। खान साहब हंसे और उनके सर पे हौले से एक चपत लगाई, बोले अरे पगली ये सब क्या सोचती है तू, मुझे जो भारत रत्न मिला है वो शहनैया पे मिला है, ये फटी लुंगिया पे नहीं मिला है। खुदा से रोज ये मनाया करो कि तुम्हें सच्चा सुर बख्शे, तुम्हारा सुर फटा ना हो, लुंगी का कुछ नहीं किया जा सकता। लुंगी आज फटी है, कल तू सुई धागा ले आएगी तो सिल जाएगी, लेकिन अगर परवरदिगार ने तुम्हें फटा सुर बख्श दिया तो कोई बिस्मिल्लाह खां भी उसको सी कर एक सलीके में बुन नहीं पाएगा। तो ये थे बिस्मिल्लाह खां, जो अपनी शिष्या को ये बताने से नहीं चूके कि हर समय आपको रियाज में होना चाहिए या अपने जीवन को इस तरह से संवारना चाहिए कि आपको अपने जीवन में भले ही कोई शिखर सम्मान मिल जाए, लेकिन कला की जो यात्रा है या कला की जो संपूर्णता है वो एक अंतर यात्रा की तरह भीतर चलती रहे। मुस्कुराता चेहरा, सितार के तारों पर बिजली की तरह रक्स करती उंगलियां और मंत्रमुग्ध होते हजारों मन। पंडित रविशंकर के सितार के तारों में वो तासीर थी कि पूरे विश्व ने सितार के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। भारत के बाहर आज भी अनगिनत ऐसे लोग हैं जो भारत को पंडित रविशंकर की वजह से जानते हैं। 1930 का दशक जब अपना आधा सफर पूरा कर चुका था, तब पंडित रविशंकर के जीवन में सितार आया और बतौर गुरु महान कलाकार उस्ताद अलाउद्दीन खान आए। यहाँ से शुरू हुआ सितार का सफर जल्द ही अपने रास्ते बनाने लगा। 1969 में वुडस्टॉक फेस्टिवल में धूम मचाने के बाद पंडित रविशंकर ने वहाँ कार्यक्रम करने से मना कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके कार्यक्रम के दौरान वहाँ बैठे दर्शकों में ड्रग्स के दौर चल रहे हैं और इस बात से नाराज पंडित रविशंकर ने कहा कि संगीत हमारा धर्म है, ईश्वर तक सबसे तेजी से पहुँचने का जरिया, और इतनी पवित्र चीज के साथ ड्रग्स जुड़े ये मुझे मंजूर नहीं। पंडित रविशंकर की शख्सियत से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते हैं जो उनके सास से जुड़ा हुआ है। पंडित जी दुनिया भर में जहां कहीं भी जाते उनके लिए जहाज में दो सीटें बुक होती, दोनों सीटें बिल्कुल अगल बगल, एक पर पंडित रविशंकर बैठते और दूसरी पर सुर शंकर। जी हाँ, ये सुर शंकर दरअसल उनका सितार था। पंडित रविशंकर के इस प्रेमी स्वभाव को लेकर एक बड़ा ही शानदार किस्सा है। 1990 की बात है, पंडित जी के 70वें जन्मदिन का मौका था। दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया और तय हुआ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पंडित रविशंकर को सम्मानित करेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पंडित रविशंकर से उम्र में कुछ 6-7 साल बड़े थे। वो शहनाई से पूरी दुनिया में डंका बजा चुके थे, दोनों बनारसी थे तो उन्हें हक था कि वो पंडित रविशंकर से कुछ भी बोल सकते थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने मौके पर चौका मारा। पंडित रविशंकर के सम्मान के बाद वो बोले कि पंडित रविशंकर ने संगीत की बहुत सेवा की है, मेरी दुआ है कि मेरी बची हुई उम्र भी उन्हें लग जाए। ये बात सुनकर हॉल में तालियां गूंजने लगी। खान साहब चुप हो गए। जब तालियों का दौर थमा तो फिर बोले, लेकिन मेरी बची हुई उम्र अब शादी करने लायक तो रही नहीं। ये सुनकर लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। ये सुनने के बाद पंडित रविशंकर अपनी जगह से उठकर आए और अपने बड़े भाई सरीखे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के हाथों को चूम लिया। पंडित रविशंकर को संगीत में अपने योगदान के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े सम्मानों के अलावा भारत में पद्मभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 दिसंबर 2012 को करीब 92 वर्ष की उम्र में पंडित रविशंकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दूरदर्शन के दिनों को याद कीजिए, मेरे सुर मेरा तुम्हारा, उस गश्ती आवाज को याद कीजिए, संगीत के आकाश में गूंजती ऐसी आवाज संगीत के दिग्गजों को भी नतमस्तक कर देती है, वो आवाज थी पंडित भीमसेन जोशी की। कर्नाटक के धारवाड़ में 4 फरवरी 1922 को पैदा हुए भीमसेन जोशी तब 11 साल के थे, तब अब्दुल करीम खान की आवाज कान में पड़ी थी और ठान लिया था कि गायक ही बनना। कहते हैं कि तभी वो गुरु की तलाश में घर छोड़कर भागे थे,
उन्होंने ग्वालियर में सरोद के उस्ताद हाफिज अली खान से ख्याल गायकी की शुरुआत तालीम ली। बाद में उन्होंने सवाई गंधर्व से भी ज्ञान लिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला लाइव प्रोग्राम किया। उसके बाद से वो नोटिस होने लगे। आज उन्हें भीमसेन जोशी की ख्याल गायकी का स्कूल कहा जाता है। 1956 में आई फिल्म बसंत बहार में संगीतकार शंकर जयकिशन ने उनसे एक ऐसा गीत गवाया था जिसमें उन्हें मशहूर गायक मन्ना डे के साथ मुकाबला करना था। इतना ही नहीं, उन्हें इस मुकाबले में हारना भी था क्योंकि मन्ना डे हीरो यानी भारत भूषण के लिए गा रहे थे। इस रिकॉर्डिंग से पहले मन्ना डे बहुत घबराए हुए थे, लेकिन बकौल मन्ना डे भीमसेन ने कहा, भाई आप तो अच्छा गाते हैं, मैंने सुना है आपके बारे में, चलिए गा लेंगे। ये गीत केत की गुलाब जूही बड़ा चर्चित हुआ। पंडित जी बड़े सादे इंसान थे, उन्हें कार चलाने का शौक था, मर्सिडीज की कारें उनकी कमजोरी थी। जवान थे तो तैराकी, योग और फुटबॉल खेलने का शौक रखते थे। शराब पीने उनका शौक था, लेकिन कहते हैं कि कैरियर पर असर देख कर उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था। पंडित जी को 1972 में पद्मश्री, 1985 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2008 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उन्होंने 24 जनवरी 2011 को तकरीबन 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। आप दक्षिण भारत के किसी भी शहर में चले जाइए, सूरज उगने का वक्त हो तो किसी भी मोहल्ले में निकल जाइए, मंदिरों के पास से गुजरिए, आपको एक आवाज जरूर सुनाई देगी जो सीधे आपके दिल के तारों तक जाएगी। ये आवाज है डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी की आवाज, भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी की आवाज, वेंकटेश सुप्रभातम की आवाज, विष्णु सहस्रनाम के सुर, उनके गाए भजन आज भी जीवन में आई नई सुबह का ऐलान करते हैं। सुरों की देवी ने 16 सितंबर 1916 को जन्म लिया था। सुब्बुलक्ष्मी के पिता वीणा बजाते थे। सुब्बुलक्ष्मी ने भी संगीत सीखना शुरू कर दिया। MS सुब्बुलक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत की शिक्षा S श्रीनिवास अय्यर और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंडित नारायण राव व्यास से प्राप्त की। 8 साल की उम्र में सुब्बुलक्ष्मी ने अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था। MS के नाम से मशहूर ये वही MS सुब्बुलक्ष्मी है जिनके बारे में कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सुरों की इस महारानी के सामने मैं क्या हूँ, महज एक प्रधानमंत्री। बापू यानी महात्मा गांधी का भी MS सुब्बुलक्ष्मी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा है 1940 का। एक कार्यक्रम हुआ जिसमें MS सुब्बुलक्ष्मी को भी आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में एक भजन गाया जाना था, हरी हरो तुम जन की पीर। MS सुब्बुलक्ष्मी का ये मानना था कि वो भजन चूंकि हिंदी में है इसलिए उसे कोई और गायक गाए। उनके मन की ये बात महात्मा गांधी को पता चली तो उन्होंने कहा कि संगीत बज रहा हो और MS सुब्बुलक्ष्मी सिर्फ उसे पढ़ भी दें तो वो किसी भी गायक के गाये से बेहतर होगा। MS के नाम से मशहूर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया। फिल्म मीरा में उन्होंने मीराबाई का रोल किया था। MS सुब्बुलक्ष्मी की सादगी के कई किस्से हैं। कहा जाता है कि जिस दिन इस बात का ऐलान हुआ कि उन्हें भारत रत्न दिया जाने वाला है वो अपने चेहरे पर हल्दी का लेप लगाए बैठी थी और जब उनसे बताया गया कि उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना गया है तो उन्होंने कहा कि अरे ये सम्मान मुझे क्यों दे रहे हैं, ये सम्मान का अपमान नहीं, उनकी सादगी की एक तस्वीर है। जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जरूरतमंदों को दे दी हो उसके लिए किसी भी सम्मान का क्या मतलब है। कहा यही जाता है कि MS सामाजिक और राष्ट्रीय कामों के लिए लगातार मुफ्त कॉन्सर्ट करती थी। आज की तारीख के हिसाब से उन्होंने करोड़ों रुपए दान दिए। उन्होंने चैरिटी के लिए 200 से ज्यादा कॉन्सर्ट किए। रैमन मैक्सेसे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 1998 में भारत रत्न बनी MS सुब्बुलक्ष्मी का निधन 11 दिसंबर 2004 को हुआ था।